हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से अगर आप गेटवे के जो पासवर्ड हैं वो भूल जाते हैं तो आप किस प्रकार से है वो लॉग इन कर सकते हैं अपने अकाउंट के अंदर और उसको है वो दोबारा से प्ले कर सकते हैं। जैसे ही आप गेटवे का आप जो क्लिक करेंगे अकाउंट के ऊपर तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है लॉग इन करने के लिए। तो स्क्रीन में अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फिर आपको रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर दिखाता है। तो उसके बाद जो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको क्लिक करना है यहाँ पर जो दिख रहे ऑप्शंस के ऊपर, नीचे लिखा हुआ आता है फॉरगेट पासवर्ड इसके ऊपर, और उसके बाद एक नया टैब ओपन होगा जो आपको अभी मैं दिखा दूँगा। उसके अलावा अगर आपके अगर गेटवे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है और आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर हम जो प्रॉब्लम्स हैं उसका जो समाधान करते हैं वो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे आगे। जैसे आपने सबसे पहले जो फॉरगेट पासवर्ड है इसके ऊपर क्लिक किया तो उसके बाद है वो ऐसा यहाँ पर इंटरफेस आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉरगेट योर अकाउंट डिटेल्स, ऐसा सब कुछ लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपको सिर्फ दो चीज़ें हैं वो आपको याद होनी चाहिए कि आपको या तो आपका जो अकाउंट है उसका ईमेल याद होना चाहिए। अगर आपको ईमेल याद नहीं है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ईमेल या दो या तीन जगह पर लगा रखा है बाई चांस, तो फिर आपको दूसरा चीज़ है वो यूज़र नेम है वो याद होना चाहिए। इन दोनों में से एक चीज़ है वो याद होनी चाहिए। जैसे ही इन दोनों में से एक चीज़ याद होगी उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में जो सबमिट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि हमने एक ईमेल भेज दिया है, आप उसको चेक करें। तो उसके बाद एक ईमेल आता है जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ऐसा एक ईमेल है वो आपको आता है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हैविंग ट्रबल लॉगिंग इन, और नीचे आपको है वो आपका नाम है जो भी है, जैसे मेरे फॉर एग्जांपल मुकेश लिखा हुआ है या फिर कोई और भी आ सकता है आपका। तो उसके बाद जो नीचे एक लिंक मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस होगा जिसके अंदर पासवर्ड है वो टाइप करने का ऑप्शंस मिलेगा। इसके अंदर ऊपर एक बार पासवर्ड लगाना होता है, उसके बाद नीचे रीटाइप है वो पासवर्ड करना होता है दोबारा, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करना है न्यू, और उसके नीचे एक और टैब होगा जब उसको आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर एक ये पासवर्ड है वो दोबारा लिखना होता है दो बार ताकि आपको मिसमैच ना हो। उसके बाद है वो पासवर्ड रीसेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पासवर्ड है वो सेट हो जाएगा और आपका अकाउंट है वो आसानी से लॉगिन है वो हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।